नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान के झुंझुनू में अर्डावता में कांग्रेस की चुनावी रैली के कई मायने सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की लकी चार्म प्रियंका गांधी ने एक और सभा करके ये साबित किया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की बागडोर की कमान प्रियंका गांधी के हाथ है और प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत के साथ मंच साझा करके दो प्रमुख चुनावी वादे करके सबको मुंह लेने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजनीति के जादूगर पहले ही सब जानते थे, इसलिए राजस्थान की जनता को साधने का प्लान प्रियंका के साथ बनाया। उनके सबसे बड़े दो वादे रहे कि एक तो अगर दोबारा कांग्रेस सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए 2 या 3 किश्तों में दिए जाएंगे और दूसरा वादा ये कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो भी तकरीबन 1,05,00,000 परिवारों को, जो अभी 500 रुपए में सिलेंडर सिर्फ 76,00,000 परिवारों को मिलता है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे। उन्होंने राहुल गांधी की जैसी भाषा में फिर से उद्योगपतियों को अपने भाषण का केंद्र बनाया। प्रियंका गांधी के भाषण की बात करें तो बड़ी बातें ये थी कि उन्होंने एक मंच पर ही सभी पक्षों की डिबेट करने की बात कही, जिससे कि कोई एक दूसरे को दोष नहीं दे पाए। मोदी सरकार की बातों को खोखला बताते हुए महिला आरक्षण को सबसे पहले कांग्रेस द्वारा लाया हुआ बताया। धर्म पर राजनीति, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना, हवाई जहाज खरीद, नई संसद भवन जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, यानी मोदी जी का लिफाफा खाली है। उन्होंने कहा कि मैं बलिदान की कीमत जानती हूं, क्योंकि मैं खुद शहीद की बेटी और पोती हूं। प्रियंका गांधी की सभा में BJP से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा किशनगढ़ से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। इसके साथ ही धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के बाद भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। उन्होंने खुद को शहीद की बेटी और पोती बताकर जनता को साधने का पूरा प्लान तैयार किया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।